दोस्तों रीसेंट एपिसोड में जो लालचन कहें या फिर हम यूं कहें कि कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया था अचानक भयानक ने, वो काफ़ी ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए थे। अब आपको बता दें कि आखिरकार उन्होंने क्या क्या बातें कही थी और किस तरीके की बातें उन्होंने पॉइंट अक्रॉस की थी ताकि उनके कैरेक्टर के ऊपर सीधे तौर पर सटीक निशाना लगे। यहाँ पर सबसे पहली बात वो ये करते हैं कि ये सिगरेट पीता है क्योंकि इसका क्रू जो है वो इसके लिए सिगरेट के डब्बे भेजता है। घर के अंदर ये बहुत भोला बना हुआ है। इनफैक्ट ये सिर्फ सिगरेट ही नहीं, उसमें कुछ मिलाकर भी पीता है। हालांकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो क्या मिलाकर पीते हैं, पर कुछ मिलाकर पीने से आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या मिलाकर पी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए ये बात कही कि जब ये शो करने के लिए एक सिटी में आए थे, वहाँ पर अचानक भयानक भी मौजूद थे, तो उस सिटी में सुबह किसी और लड़की के साथ होटल के कमरे में गए और रात को किसी और के साथ और अगले दिन सुबह किसी और के साथ बाहर निकले। ये सुनने के बाद यहाँ पर खुद जो अनुराग डोभाल हैं उनके दिमाग से पूरी तरीके से गुस्सा उन पर हावी हो गया था और उन्होंने अब कहा था कि मेरी सिस्टर थी, तुम इस तरीके से उल्टी सीधी बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हें सोचना चाहिए, दो बातें बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। बहरहाल अचानक भयानक यहाँ पर जो संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं उसके लिए वो बिल्कुल भी सॉरी नहीं है क्योंकि उन्होंने यही बात बोली कि जो मैंने देखा वो मैंने बोला है और जो मुझे पता है वो मैंने बोला है। बहरहाल अनुराग डोभाल ने भी यहाँ अचानक भयानक को काफ़ी कुछ कहा और जनता भी यहाँ पर दो पक्षों में बटी हुई नज़र आ रही है। कुछ वो फैंस हैं जो कि कट्टर ब्रो सेना से बिलोंग करते हैं और अनुराग डोभाल के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, तो कुछ वो लोग भी हैं जो बिग बॉस के फैंस हैं और न्यूट्रल होकर शो को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अनुराग डोभाल को पसंद नहीं कर रहे और जम के अनुराग डोभाल को यहाँ पर ट्रोल भी किया जा रहा है। बहरहाल आप कौन सी श्रेणी में हैं कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और बेखबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।